स्वागत है और आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और आज जो है हम लोग आए हैं न्यू मार्केट स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। तो कुछ शॉपिंग हम करेंगे और फिर कुछ जो है वो आपको हम कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ न्यू मार्केट स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो बच्चों के लिए देख रही थी, यहाँ पे स्टाइलिश सब पर्स मिल रहा था, तो मैं जोया और मलाइका दोनों के लिए देख रही थी और काफी रीजनेबल प्राइस में भी मिल रहा था और हर तरीके का अच्छे से अच्छा पर्स बैग था वो, कि बच्चे जो अगर पिकनिक में गए तो उस टाइप का बैग लेने के लिए वो बहुत अच्छे से बेच रहे थे। और यहाँ इस जो स्ट्रीट शॉपिंग स्ट्रीट में पूरे हर तरीके का स्टॉल लगा हुआ होता है, चाहे बर्तन के हो या बैग के हो या फिर पर्दा हो या फिर कोई भी चीज़, तो हर तरीके का यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैं पर्दा देख रही थी और ये पर्दा जो है काफ़ी रिजनेबल प्राइस में था, वन पीस 150 में था। और बच्चे जो है बच्चे तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी शुरू हो जाते हैं, मम्मी ये भी लेना है, मम्मी वो भी लेना है। और मैं साढ़े चार बजे वहाँ गई, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। और ये चूंकि लास्ट चल रहा है रमजान का, तो सभी लोग तकरीबन आए हुए थे। और ये मैं हैंकी देख रही थी और यहाँ पे मुझे हैंकी की हैंकी लेना था और टॉवल का भी यहाँ पे कलेक्शन था, तो फिर मैंने वहाँ से टॉवल और हैंकी भी दिया और ये दोनों भी शुरू हो गए। मम्मी मुझे भी लेना है हैंकी, तो ये लोग भी शुरू है दोनों मिलके। हैंकी का भी कलेक्शन था लेडीज में भी जेंट्स में भी, और यहाँ पे टॉवल का भी कलेक्शन था, बाथ टॉवल भी और फिर हैंड टॉवल भी। तो मुझे हैंड टॉवल की जरूरत थी, बाथ टॉवल था हमारे पास, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया हैंकी लिया और बाथ टॉवल लिया। और यहाँ पे दुपट्टा मिल रहा था, दुपट्टा मुझे चाहिए था घर पे पहनने के लिए, व्हाइट दुपट्टे चाहिए थे, तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छे कलरफुल दुपट्टे मिल गए, तो फिर वहां से मैंने दुपट्टे बाय किया है। और ये सब देखिए ये तरह तरह के ये सूट्स यहाँ पे, ये जो प्लास्टिक का दस्तखान जो होता है वो बेच रही थी ये, तो बहुत अच्छा अच्छा गोल्डन सिल्वर कलर में भी बिक रहा था। और ये है चूड़ियों का कलेक्शन, तो यहाँ भी मैंने चूड़ियाँ देखी, लेकिन नॉर्मली मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत भारी भारी सा फील होता है। तो मैं आपने देखा होगा ब्लॉग्स में, सिर्फ मैं एक चूड़िया सिर्फ एक वाला पहन के रहती हूँ, कुछ नहीं, तो इसलिए मुझे ज्यादा चूड़ियाँ मैं बाय करती नहीं हूँ। मेरे पास चूड़ियों का कलेक्शन है जो मैं रखी हुई हूँ, मैं पहनती नहीं उससे बाय एक बाला के। और ये मैं यहाँ पे हेयर बैंड देख रही थी क्योंकि मुझे मलाइका के लिए हेयर बैंड बाय करना था, इसलिए मैं यहाँ पे हेयर बैंड देख रही थी। यहाँ पे देखिए ड्रेस का पूरा कलेक्शन है और ये क्या रेंज में आ रहा है, और ये हमारी बस से बात है। और यहाँ पर जो है मेकअप के सारे सामान थे, लिपस्टिक है, और मलाइका को तो आप जानती हैं कितना उसे शौक है, मम्मी मुझे ये लीजिए लिपस्टिक ले दीजिए, तो फिर आई शेडो ले दीजिए मम्मी, वो शुरू होती। और सारी अवतार की जगह पूरे भीड़ लगी हुई है, तो मैं भी थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेती हूँ खाने के लिए। और जोया इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जा रही है रोज से रखते, तो अभी चले हम जोई, तुम ठीक हो? चलो अब जो है इफ्तार का टाइम करीब हो रहा है, तो सारे लोग जो है यहाँ पे पूरा पूरा मैदान जैसा है, तो सारे लोग यहीं पे बैठ करके भी इफ्तार करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की पूरी भीड़, शाम के टाइम इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब लोग जो है चादर बिछा कर अपना इफ्तार करने की तैयारियाँ कर रहे हैं सब लोग यहीं पे। इधर एक मॉल है,
अगर सब लोग अभी तारीफ करने बैठे रस्सी कितने है और कितने लोग खाने बैठे यार। मम्मा लोग और यहाँ पे जो है हम लोग चादर बिछा रहे हैं ताकि बैठ सके हम लोग। और सूर्य जो है अच्छे से बिछा सोई भलाई का टानो बेटा। और यहाँ पे ना पानी का है तो बहुत अच्छी हवा भी चल रही है एकदम, इसलिए यहीं पे बैठना हम लोगों ने ये किया कि यहीं पे अच्छा है, हवादार भी है और यहाँ पे हम लोग आराम से इफ्तार कर सकते हैं। तो मैं बैठ गई हूँ। आज सोया की जो है रोजे में हालत खराब हो गई है एकदम, बच्चा ना बुरी मम्मी एकदम चला नहीं जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि मगरिब के बाद हम लोग निकल नहीं सकते, मगरिब के बाद निकलेंगे तो फिर उस टाइम फिर पढ़ना होता है, नमाज वगैरह होता है, तरावी वगैरह होता है, तो उस टाइम निकलना आसान ही होता है। और आज तो शबे कदर भी है, इसलिए सोचा था कि सवेरे हम लोग करके आ जाएंगे शॉपिंग, उसके बाद आराम से शबे कदर भी पड़ेंगे। लेकिन अभी तो जोया की थोड़ी सी हमने देखे हो किया है कि जोया की तबीयत खराब है, तो अब पहले हम लोग इफ्तार कर लें, फिर पहले इफ्तार कर लेंगे, अब जोया खा पी के थोड़ा सा या हम लोग भी थोड़ा सा खा पी लेंगे, उसके बाद फिर शॉपिंग करेंगे। और मैं अब सारा फ्रूट्स और ये सब जो है इफ्तार का चीज़ें दो इफ्तार की चीज़ें दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो है हम लोग अपना इफ्तार निकाले अपना, क्योंकि अब इफ्तार के लिए बहुत कम मौजू है। जो है शर्बत ढाल रही है, जोई एक रसना ढाल दो। और ये फर्स्ट टाइम है जो हम लोग खुले आसमान के नीचे इफ्तार कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला ऐसा मौका है। और ये जो है अज़ान हो गई है हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगा ये फर्स्ट टाइम इफ्तार है ना हमारा खुले आसमान के नीचे। जोई अच्छे लग रहे हैं इफ्तार में सबके साथ, अच्छा भी लग रहा है सबों के साथ बैठ करके यहाँ पे इफ्तार करने में, अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मलाइका जो है बबल्स खरीदी थी और वो खड़े होके सारा बबल्स हमारे चेहरे पे फेंक रही थी कि मम्मी देखिए कितना बबल्स आ रहा है ये देखिए। तो ये अपना एंजॉय कर रही है मलाइका। यहाँ पे देखिए दुपट्टे का बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, यहाँ पे हर तरीके का दुपट्टा मिल जा रहा है, कॉटन से सिंथेटिक, फिर कॉटन से सिंथेटिक सारे दुपट्टे यहाँ पे। और ये सब पट्टे का कलेक्शन है यहाँ पे,
सीक्वेंस में पूरा आ रहा है। यहाँ ये सिल्वर भी हो जाएगा, गोल्डन भी हो जाएगा, चेंज हो रहा है ये देखिए। हाँ ये वाला चले ये छोटा सा एकदम क्यूट सा बैग है। डिजाइन कर रहे ना, दौड़ी हो रहे इन लोग का, देखिए यहाँ पे भी दौड़ दौड़ी हो रही लोग, एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी हो रहा है। अतीश नगर क्या रेश मारे भाई, कितना यहाँ देखिए पूरा जो है पूरा सन्नाटा हो रहा है, 10 बज रहे हैं, सारे शॉप्स तकरीबन बंद हो गए हैं, इसके लिए खड़े हैं, या अगर बस नहीं मिली तो टैक्सी करेंगे। तो अभी हम लोग ये भी खड़े हैं, और अगर आज का ब्लॉग हमारा आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, मैं चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हमने आज बहुत मस्ती की है, बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है, बहुत धक्के भी खाए हैं, क्योंकि चलने तक की जगह नहीं थी, बहुत धक्के खाए। कलकत्ता की बहुत फेमस मार्केट है न्यू मार्केट, और इधर बहुत लोग आते हैं। तो फिर आज के लिए यही तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय तब तक, बाय, अल्लाह। हम लोग